हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 4 के सेकेंड पार्ट को, जो कि है ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ज्वाइंट कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट एट साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट में किस तरीके के मूवमेंट होते हैं। जैसा कि टाइप ऑफ ज्वाइंट हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि तीन टाइप के, यानी थ्री टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फाइब्रस ज्वाइंट, सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट एंड थर्ड वन इज साइनोवियल ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट एंड कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट दोनों लगभग सिमिलर होते हैं। इन दोनों में जो ज्वाइंट होता है, मतलब ज्वाइंट का मतलब क्या है कि दो हड्डियों का आपस में जुड़ना। फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट में ये जो दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, ये बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के, इन दोनों दो हड्डियों के बीच में एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, एक फाइब्रोकार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है जो दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ देता है। बट इन साइनोवियल ज्वाइंट में जो बोन्स का अटैचमेंट होता है वो थ्रू द केविटी, मतलब दो हड्डियां जो आपस में जुड़ती हैं, एक बोन दूसरी बोन में जो केविटी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वहां पे जाके वो अटैच हो जाती है। उसके बीच में कनेक्टिव टिश्यूज, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और एक लुब्रिकेटेड फ्लूइड भरा रहता है। बट इन तीनों जॉइंट्स में जो मेन डिफरेंस है, द डिफरेंस इज ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का डिफरेंस है। फाइब्रस ज्वाइंट में मूवमेंट ना के बराबर होता है, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट में भी मूवमेंट बहुत कम, वेरी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। बट एज कंपेरिजन टू फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो अटैचमेंट होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, वहां पे स्लाइट मूवमेंट होता है। बट साइनोवियल ज्वाइंट में मैक्सिमम पॉसिबल मूवमेंट, मतलब तीनों ज्वाइंट से ज्यादा जो मूवमेंट, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होता है, दैट इज इन द साइनोवियल ज्वाइंट। तो वही आज हम देखेंगे कि साइनोवियल ज्वाइंट में किस तरीके के मूवमेंट होते हैं, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स एंड साइनोवियल ज्वाइंट। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, जो साइनोवियल ज्वाइंट में जो मूवमेंट होता है, ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये जो साइनोवियल ज्वाइंट, यानी दो हड्डियों के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा होगा, कितना होगा। ये जैसे कि टाइटनेस ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट का मतलब कि जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, बांधने वाला, इस लिगामेंट का टाइटनेस, मान लीजिए कि ये लिगामेंट है, ये इस तरीके का बोन का अटैचमेंट है, तो कितनी टाइटली ये लिगामेंट ने इस दोनों हड्डियों को बांध रखा है, उस पर डिपेंड होगा कि इस ज्वाइंट में मूवमेंट कैसा होगा। और इंटरकैप्सुलर स्ट्रक्चर मतलब कि यहाँ पे साइनोवियल ज्वाइंट में दो हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो एक कैविटी के थ्रू होता है। जैसे कि हमारे शोल्डर गर्डल में, यहाँ पे जो हमारा फोर आर्म है, ये जो शोल्डर गर्डल में आके अटैच होता है, यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है इसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। मतलब फोर आर्म का जो एंड वाला हेड वाला ऊपरी हिस्सा होता है, ये बॉल शेप का होता है, और हमारे शोल्डर में कैविटी सॉकेट यानी कि कप शेप का स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें ये जाके फंस जाता है। तो ये जो इसका अटैचमेंट यहाँ पे, जो ये इंटरकैप्सुलर मतलब जो अटैचमेंट हो रहा है, जो बोन का जो हिस्सा ज्वाइंट फॉर्मेशन कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी डिपेंड करेगा कि मूवमेंट कितना और कैसा होगा। देन हाउ वेल
इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग मतलब वही है कि कितनी तेजी से ये हड्डियां, दो हड्डियां जो हैं ये आपस में जुड़ रही हैं, कितना टाइट अटैचमेंट है। और एक और चीज होती है कि जितना स्टेबल ज्वाइंट होगा उतना ही लेस मूवमेंट होगा, लेस मोबिलिटी, या आप कह सकते हैं कि लेस मूवमेंट। ज्वाइंट जितना ज्यादा टफ होगा, जितना स्ट्रांग ज्वाइंट होगा, मूवमेंट उतना ही कम होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे कि जिन की रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मतलब कौन कौन से मूवमेंट होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट में। तो साइनोवियल ज्वाइंट में मेन आपके 10 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, मेन 10 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, जो कि पहला है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये दोनों एक तरीके से आप कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। फ्लेक्शन मतलब क्या है? फ्लेक्शन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, नेम ऑफ मूवमेंट। और फ्लेक्शन मूवमेंट का मतलब बेंडिंग एट अ ज्वाइंट टू पुल द बोन्स फॉर्मिंग ज्वाइंट क्लोजर टुगेदर। मतलब कि यहां पे जहां दो हड्डियां, अगर दो हड्डियों ज्वाइंट जो होगा वो दो हड्डियों के बीच में ही होगा, फ्लेक्शन ज्वाइंट हो रहा है, तो जो दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है वो ज्वाइंट की ओर मूव करेंगे। वैसे जैसे कि ये जो हाथ है हमारा, ये ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना, ये जो इसका ज्वाइंट है यहाँ पे, ये ज्वाइंट जो है हाथों के बीच में, अब इसमें अगर मूव, या यहाँ पे ये बीच से जुड़ा हुआ होता है, ये हिंज ज्वाइंट होता है जो यहाँ पे होता है, तो ये जब आपस में मूव करेगा, तो ये हाथ है इस तरीके से, ये हाथ इस तरीके से मूव करेगा, तो दैट इज फ्लेक्शन। ये हाथ हमारा नॉर्मल ऐसे नीचे है, बट अगर हमने इसको ऐसे ऊपर किया तो दैट इज फ्लेक्शन ज्वाइंट, उस फ्लेक्शन मूवमेंट। यहां पे क्या हो रहा है, ये ज्वाइंट है बीच में, ये ज्वाइंट की तरफ हमारा हाथ मूव कर रहा है, जिससे कि जो इसके बीच में एंगल होगा वो कम होगा। मतलब ये आपका हाथ है नॉर्मल पोजिशन में, ये हाथ हमारा ये इस तरीके से ऊपर आके इसे मूव करे, दैट इज फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन का मतलब है यहां पे बेंडिंग एट अ ज्वाइंट था, बट अब हाथ इस तरीके से आया, ज्वाइंट की ओर बेंड किया, तो दैट इज फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन का मतलब स्ट्रेंथनिंग एट अ ज्वाइंट, मतलब कि ये जो ज्वाइंट जो है अब हम स्ट्रेंथ इसको फैलाएंगे, यानी कि ज्वाइंट अभी फ्लेक्शन में ज्वाइंट जो है वो दोनों हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट है वो आपस में पास आ रहे थे, बट फ्लेक्शन में ये दूर जाएंगे। तो ये इस तरीके का हाथ मूव कर रहा है, तो ये फ्लेक्शन, और वापस नॉर्मल पोजीशन पे जा रहा है, तो दैट इज एक्सटेंशन। जैसे ये सर में भी हो सकता है फ्लेक्शन, मतलब ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, यहां से हमारा हेड वाला जो हिस्सा है यहां से ज्वाइंट है, तो इस फ्लेक्शन ज्वाइंट्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, एंड वापस इस ज्वाइंट को एक्सटेंड स्ट्रेट कर रहे हैं, तो दैट इज एक्सटेंशन। सेकेंड वन इज अबडक्शन। अब ये अबडक्शन और एडक्शन दो तरीके के ज्वाइंट है, इसमें मेन जो होता है मिड लाइन, हम बॉडी की मिड लाइन को लेते हैं। अब जो भी हमारा लिम्स है, जो पार्ट है, अगर वो मिड लाइन से अवे जा रहा है तो दैट इज अबडक्शन। मतलब मान लीजिए ये हाथ है हमारा, अब ये हाथ मिड लाइन ये है, मिड लाइन से अवे मतलब ये गया, तो अबडक्शन, वापस मिड लाइन की तरफ आया, तो दैट इज एडक्शन। अबडक्शन एडक्शन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज अबडक्शन, टूवर्ड्स द मिड लाइन इज एडक्शन। देन सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन का मतलब यहां पे ये सर्कम मतलब कि सर्कुलर मूवमेंट हो, सर्कुलर मूवमेंट का मतलब मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब हम किसी भी लिम्ब का इस तरीके के मूवमेंट कराए कि वो कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे, कौन से मतलब ये इस तरीके से। तो ये कैसे, हम अगर अपने हाथों को ये इस तरीके से मूव कराते हैं
तो इसे ही कहा जाता है क्या, सर्कमडक्शन। आप हाथ को इस तरीके से मूव कराएंगे तो वो ये कोन त्रिकोण का फॉर्मेशन करेगा, तो दैट इज सर्कमडक्शन। एंड रोटेशन, रोटेशन वेरी सिंपल कि हमको रोटेट कराना, ये हेड है, ये हम इस तरीके का मूवमेंट करा रहे हैं, तो दैट इज रोटेशन। देन प्रोनेशन एंड सपिनेशन, प्रोनेशन एंड सपिनेशन का मतलब क्या है, टर्निंग द पाम्स ऑफ द हैंड अप, हाथों की हथेलियों को ऊपर करना, इट्स अ प्रोनेशन। हाथ की हथेलियां ये है, इसको हमने इस तरीके से किया तो ये कैसा मूवमेंट हुआ, प्रोनेशन। हाथों की हथेलियों को नीचे किया इस तरीके से, तो दैट इज सपिनेशन। ये सब जो भी मूवमेंट है ये डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पे, इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। तो प्रोनेशन मीन्स पाम्स अप, सपिनेशन मीन्स पाम्स डाउन। देन इन्वर्जन एंड इवर्जन, इन्वर्जन एंड इवर्जन ये मूवमेंट जो होता है जनरली, इसको समझाने के लिए, जो सोल ऑफ द फुट पैरों में होता है, सोल ऑफ द फुट पैरों का जो है, देखिए टर्निंग द सोल ऑफ फुट इनवर्ड, मतलब ये आप समझ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फुट है तो फुट को, पैरों की जो उंगलियों को अगर हम इनवर्ड मूव करेंगे तो दैट इज इन्वर्जन, और इसको अब आउटवर्ड मूव करेंगे तो इवर्जन। इस तरीके से अंदर की तरफ मूव किया तो इन्वर्जन, बाहर की तरफ मूव किया तो इवर्जन। तो गाइस ये 10 तरीके के मूवमेंट होते हैं जो कि साइनोवियल ज्वाइंट में पाए जाते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। वो टाइप ऑफ ज्वाइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के पीडीएफ नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।